सास बहू की खेचातानी और मैं बेचारा। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुबारा। सास बहू की खेचातानी और मैं बेचारा। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुबारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। इतना खुश कहाँ से आ रहे हो फिर भाई? मैं किराया देने गया। तुम्हारा किराया भी है? मकान का बैंक में जमा कराने गया था। बैंक में? अरे मालिक मकान दुबई में है ना। लेकिन फिर भाई घर का पूरा किराया तुम क्यों देते हो? क्यों? अरे फिर भाई तुम्हारे पास कोई पूरा घर थोड़ी है। क्या मतलब? इफी भाई जेबो मुझे बता रही थी कि मकान मालिक ने कमरे में ताला लगा के रखा हुआ है। ओ वो, अरे उसका कुछ सामान पड़ा है उसमें। तो भाई वही तो पूछ रहा हूँ, उसका किराया क्यों लेता है वो? अरे एक कमरे से क्या फर्क पड़ता है भाई? अरे भाई किराए में तो फर्क पड़ता है ना। अरे क्या तुमने सुबह सुबह मुंशू वाली बातें शुरू कर दी है? वैसे उस कमरे में है क्या? अरे तुम क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो उसमें? इफी भाई मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, बता दो ना क्या है उस कमरे में। अरे भाई तुम्हारी तरह कार्ड कबाड़ पड़ा होगा, कोई कीमती सामान भी तो हो सकता है। तोबा, हमेशा गलत सोचना और लालची बातें ही सोचना। समझ रहा हूँ, और अगर चोरी हो गया तो? अरे कैसी मनहूस बातें कर रहा है, और सारे घर में बस वही चोरी होगा। देखना तो चाहिए ना उसमें है क्या। अरे हमने देख के क्या करना है भाई? अगर कीमती हुआ ना तो हमें होशियार रहना होगा बस। क्यों भाई? भाई कोई ले गया तो पकड़े तो हम सब जाएंगे। मगर उस कमरे को खोलेगा कौन? इसके लिए जिन मंगवाना पड़ेंगे। अरे भाई चाबी तो चाहिए ना। जिनों की चाबी? अरे ताले की। जिनों को कौन सा ताला लगता है? कमरे की। ओ हाँ हाँ, वो जो चाबियों का गुच्छा है ना, वो जेबू वाला। हाँ उसमें से कोई एक तो लग जाएगी पक्का। वो तो हाथ भी नहीं लगाने देती। अरे कोशिश तो करें फी भाई। अच्छा मैं लाता हूँ, लाता हूँ। जेबो, 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 आज तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। खैर तो है। हैं? अच्छा जब प्यारी लगो उसी दिन खैर नहीं होती। इतने प्यार से तुमने कभी कहा नहीं ना, इसलिए। नहीं नहीं नहीं, कई बार कहा है। और हर बार की तरह कोई ना कोई फरमाइश कर देते हो फिर। मैंने कौन सी फरमाइश करनी है? एनीवे मुझे मकसद बताओ कि ये इतनी तारीफें हो क्यों रही है। भाई मैं तो तुम्हारी खूबसूरती और खूबियों की तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा तो आप खूबसूरती से खूबियों पर आ गए। अरे तुम में कोई एक खूबी है? मसलन भाई एक खूबी तो ये है कि तुम में एक बात बिल्कुल माइयों वाली। मुझे तुम माई कह रहे हो, ये खूबी है? नहीं नहीं नहीं, से मुराद समझदार और तोवल। आई सी। बस इसी खूबी पे ना मुझे बहुत प्यार आता तुम। कौन सी खूबी? अरे वो ही जो चाबियों गुच्छा तुम्हारे पास। हाँ तो इसमें सियानों वाली कौन सी बात है? भाई पुरानी माइयों वाली तो है ना। फिर माई? मतलब समझदार औरतों वाली। व्हाट इज द मैटर, मसला क्या है ये बताओ। मैं वो चाबियाँ देखना चाहता हूँ। क्यों? असल में ना ये चाबियाँ मशर की रिवायत का हुस्न है। तुम्हें एकदम से बैठे बैठे चाबियों की क्या सूझ गई? पूरे दरवाजा खोलना है। कौन सा ताला खोलना है? मालिक मकान के कमरे का। लेसन ये क्राइम है, मैंने चाबी छुपा के रखी होगी। अगर कोई चीज आगे पीछे हो गई ना तो मेरा नाम लगेगा। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अरे जेबो तुम और मैं मिलकर कमरा खोलते। हरगिज नहीं। नहीं नहीं जेबो मेरी बात तो सुनो। अरे जेबो मेरी बात तो सुनो। अरे जेबो अब क्या हुआ? भाई जेबो नहीं मान रही। बहुत मजलूम शोर हो यार तुम। अब मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। उसने क्या कहा? कि ये जुर्म है। कुछ तो वो ठीक ही कह रही है। अरे ये तुम बुजदिल आदमी हो बिल्कुल। अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो छित्तर भी पड़ेंगे। अरे चाबियां मिलनी नहीं, तुम छित्तर तक पहुंच गए। सच कह रहा हूँ फी भाई, आप तो घर के सरबरा हैं। अच्छा इसलिए छित्तर खाऊं? अच्छी तरह से सोच लो। अरे सोच लिया है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। तो फिर चाबियां लाओ चलो। तुम साथ दोगे? किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है। आए हाय, लेकिन किस्मत की चाबी भी तो मिले। अगर चाबी नहीं मिलनी ना तो ताला खोलने वाले को ले आओ। हाँ ये आइडिया अच्छा है। लेकिन एक बात याद रखो, मैं ना कोई बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। अरे भाई क्या किसी का कत्ल करना है क्या? पता नहीं उस कमरे में कुछ है भी या नहीं। ओहो ये वारदात से पहले ना नहुसत मत डालो। अरे चाबियां कैसे हासिल करनी है ये सोचो। पिंटू जेबो ना रोज 2 घंटे आराम करती है। शादी के बाद ना आराम बीवियों को ही नसीब होता है। ये तुमने बड़ी अकल की बात की। अभी शादी नहीं हुई ना मेरी। वाह ये तो उससे भी बड़ी अकल वाली बात कर दी। खैर तो है। खैर है भाई खैर है, सब कुछ। अब ये बताओ जेबो आराम कर रही होगी तब क्या होगा? तब चाबियां निकाली जा सकती है। तो एक काम करते हैं ना, दोनों चलते हैं कोशिश करते हैं। हाँ, नहीं, 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 तुम हमारे प्राइवेट कमरे में कैसे जा सकते हो? वाह भाई वाह, तुम किसी का बंद कमरा खोल ले और मैं प्राइवेट कमरे में नहीं आ सकता। हरगिज नहीं। ठीक है फिर जाओ। हाँ तुम यहाँ इंतजार करो। ओके ओके।
मुझे तो तुम्हारे आराम की बहुत फिक्र है, इसीलिए चाबियां तुम्हारे हाथ में। ये चाबियां मेरे हाथ में कैसे आ गई? मैं ठीक है। झूठ मत बोलो, इसी तुम चाबियां चुरा रहे थे। मैं क्या करूं, वैसे तो तुम दे नहीं रही थी। इतने अफसोस की बात है। अरे अफसोस की बात तो तब होगी जेबो जब हम देखेंगे नहीं उस कमरे में है क्या। But this is cheating. अरे इस घर का मुस्तकबिल भी तो है। सोचो नहीं, सोचो नहीं, हमारी किस्मत संवर सकती है। Listen, मुझे डर लग रहा है। जो डर गया वो मर गया जेबो। तुम ये घिसे पिटे फिल्मी डायलॉग अपने पास रखो और अच्छी तरह एक बार फिर सोच लो। जेबो आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में रिस्क लेना ही पड़ता है। अच्छा सोचो नहीं, सोचो नहीं, फैसला करो, फैसला करो। ठीक है चलो, मैं भी थोड़ा सा चलती। ये की ना तुम्हें मेरी तरह समझदार वाली बात। एक काम करते, पिंटू को भी साथ में बुला लेते हैं। चल चलो पिंटू पिंटू। अरे आओ ना। पिंटू आजा, पिंटू आजा। लगा लगा जल्दी से, वो लगा, खोलो जल्दी, अभी कुत्ते का दरवाजा सिप सिप होगा। अरे भाई जेबो, वो चाबी क्यों नहीं लगाती जो इसकी है? अच्छा तो कौन सी चाबी है? अरे मुझे क्या पता। तो फिर करने दो ना मुझे कोशिश। जेबो सारी चाबी लगाओ, सारी चाबी। बात सुनो, are you out of your mind? एक वक्त में सारी चाबियां कैसे लग सकती है? मतलब एक एक करके सारी? वो ही कर रही हूँ प्रोफेसर साहब। ओह भाई मुझे तो चाबी ला मुझे। Not at all. ये चाबियाँ किसी को नहीं मिलेंगी। ये कोई कानून के खजाने की चाबी थोड़ी है, दे दो उसे, दे दो। अरे जिद मत करो जेबो, तुम्हें ये चाबियाँ मैं वापस दे दूंगा। तुम्हें बड़ा तजर्बा है ना। हाँ। खोल लो, खोचो। हाँ लो लो लो, अब देख अब देख पिंटू, ये देख। हाँ, खोल लो खोलो। चाबी ना तोड़ देना ताले में। ओ चुप रहा। अच्छा मेरे चुप रहने से ताला खुल जाएगा? अरे भाई ये चोरों के मामले हैं, लीव इट। अच्छा तो ये चोर है? अरे बेवकूफ, हर शरीफ आदमी में एक चोर होता है। वो तुम्हारे साथ रह गया हमें अंदाजा हो गया, देख लेना ये ताला खोल लेगा। खोलो, चुप रहा चुप रहा चुप रहा। क्या है ये? हाँ जेबो कुछ तो खास है, लगता है बैंक है ये। बैंक? जेबो मालिक मकान ना यहाँ अपना सरमाया रखता होगा। सरमाया? हाँ हाँ बिल्कुल। वो क्यों इसमें सरमाया रखेगा? ऑफ कोर्स, टैक्स से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, पैसे छुपाते हैं। हाँ बात तो दिल को लगती है जेबो। हाँ जेबो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या कुछ है। किस कमरे का? किस कमरे का? और जैसे मालिक मकान ने ताला लाया है। वो अरे अम्मा को कैसे पता चल गया? ओए वो क्या लगा रखी है? कुछ नहीं अम्मा, कुछ नहीं। वो बताता क्यों नहीं किसने खोला? अरे अम्मा देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है, हवा से खुल गया होगा। ओए हवा से ताला कैसे खुल सकता है? अरे अम्मा आजकल के तालों का क्या है, घूरने से खुल जाते हैं। ओए बहुत ही पुराना ताला है। इसलिए तो खुल गया, जंग थी। वैसे मुझे दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं अम्मा ऐसा कुछ नहीं है। सच्ची सच्ची बता मसला क्या? नहीं 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 अम्मा कोई मसला नहीं है। ओ मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ। तू दफ्तर क्यों जा रहा है बता? वो थैला चेक करना है। अम्मा जाने दो ना यार। सच्ची सच्ची दास कमरा खोला किसने? अरे अम्मा किसी जिन भूत ने खोल लिया होगा, मेरी तो जान छोड़ दो। तू बता रहा है कि मालक मकान को मैं खुद फोन करूं? नहीं अम्मा ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। उसे पता लग गया ना तो एक मिनट फोन में रहने नहीं देगा हमें। अरे अम्मा मैं जाकर दरवाजा बंद कर देता हूँ, मुझे जाने दो, थैले में चीजें गायब हो जाएंगी। कैरियर चीजा क्या? मुझे क्या पता उसमें क्या क्या है। वो इस घर में चल क्या रहा है आखिर? अरे अम्मा घर में तो ढंग से पंखा नहीं चलता है, और क्या चलना है। अरे इसमें तो बहुत सारे जेवर और पैसे हैं। अरे वो तो ठीक है, पर अब लाश का क्या करना है? अरे वो थैले में नहीं है। अरे उसी कमरे वाली लाश। अच्छा वो, अरे हमने क्या करना है, पड़ी रहे वहाँ पे। मेरी बात सुने, बेहतर है कि हम उसे दफना दें बगैर जनाजे के। तो क्या सारा मोहल्ला इकट्ठा करना है? जनाजा कौन पड़ेगा? जिसने कत्ल किया उसने जनाजा पढ़ा ही होगा। वाह 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 वा, वैसे पिंटू तुम्हारी अकल को दाद देनी चाहिए। देखो लाश हमें फंसा सकती है। अरे वो खुद संदूक में फंसी है, हमें क्या फंसाएगी? किसी को भी पता चल सकता है कि वो संदूक में फंसी है, कि यहाँ लाश है। भाई भाई हम घर में थे हमें पता चल गया। नहीं अरे तो बाहर किस तरह पता चलेगा? थैले में क्या निकला? थैले में पता है नोट और जेवर है। वेरी गुड,
तुम्हें कुछ महसूस हुआ जेबो? क्या महंगाई का कह रहे हो? अरे घर में, जाहिर सी बात है महंगाई तो घर में महसूस हो रही होगी ना। तुम्हें स्मेल नहीं आ रही है? महंगाई की? अरे किसी मरी हुई शय की। तुम्हारे जमीर की होगी। मुझे तो लाश की बू आ रही है। क्या? और अगर ये मोहल्ले तक पहुँच गयी बू तो बहुत मसाला हो जाएगा। मोहल्ले वालों के लिए? हमारे लिए। मेरे ख्याल है घर में ना स्प्रे करवाना चाहिए। अरे डेंगू मच्छर नहीं मारने हैं, ये लाश की बू है। हाँ तो फिर कुछ करो ना, इसका मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? अरे क्या करे, अरे लाश से कुछ करो ना। जी बताइए। आपको बू नहीं आ रही? बू? कौन सी बू? आ तो रही है लेकिन मैं आपको कह क्या सकती हूँ? मुझसे नहीं। एक्सक्यूज मी, तीसरा कोई नहीं है यहाँ पे। सारा मोहल्ला कह रहा है। मोहल्ला कह रहा है तो सफाई का ख्याल रखे ना। मेरे लिए नहीं कह रहा, मेरे मुतालिक। लेकिन मेरे मुतालिक लोग ऐसी बातें क्यों करेंगे? अरे मैंने कब कहा कि बू आपसे आ रही है? बात सुने, आपको मसला क्या है? ओ बीबी, लाश की बू आ रही है। लाश? तो ऑफ कोर्स, तो फिर लाश से क्या खुशबू आती है? वही तो कह रहा हूँ, अगर बू आ रही है तो लाश कहाँ है? जहाँ से बू आ रही है वही होगी ना। वो इसी घर से आ रही है। क्या? नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई, आपको ये लाश वाश नहीं है। सच कह रही हैं आप? अरे भाई लाश होती तो बोलते कैसे? मुझे पता है आप लाश नहीं, लेकिन घर में कोई लाश है। आपने उससे कहना क्या है? अरे लाश से कोई कुछ कह सकता है? लेकिन सारे तो लाश कहते हैं उसे। मुर्दे को यही कहते हैं। हाँ तो और भी कुछ कह लेना, बेचारी ने कहना क्या है? दादा होशियार मत बने, मोहल्ले वालों का ख्याल है कि लाश इसी घर में। बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं तलाशी लूंगा। नॉट एट ऑल, मैं इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगी। मैंने आपसे इजाज़त मांगी है, चले हटे यहाँ से। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? इफी, इफी, इफी। बाबू किससे मिलने जी? इफी लाश। इस घर में लाश है। कौन सी लाश? अरे इफी मैंने तो लाख समझाया कि घर में कोई लाश नहीं है। दीदी तरह बताते हो या नहीं? अरे सर आपको किसने बताया कि लाश है? तो वाकई इस घर में लाश है। मतलब ये गलत खबर आपको किसने दी? घर से वाकई ही बू आ रही है। जी जी, पिंटू भी यही कह रहा था। पिंटू? मतलब घर की काफी दिनों से सफाई नहीं हुई ना, इसलिए। अब मैं आ गया हूँ ना, सबकी सफाई करता हूँ। आप पार्ट टाइम सफाई भी करते हैं? बकवास बंद कर रहे और घर की तलाशी दो। तलाशी? देखिए मालिक मकान के कमरे के अलावा ना आप जहाँ दिल चाहे छान मारे। मालिक मकान का कमरा? मतलब सारे कमरे ही मालिक मकान के, हम तो किराएदार में जा रहे हैं। इस वक्त तो तुम ही रह रहे हो ना यहाँ? जी जी बिल्कुल। यहाँ कब से हो? इस कमरे में? घर में। जी जी, सुबह से घर पे ही हैं हम लोग। कितने अरसे से इस घर में रह रहे हो? मैं जब से ना स्टॉक कैरेक्टर हूँ, जब से इसी घर में रह रहे हैं। क्या जी, कोई 8-10 माह हो गए? फिर घर की तलाशी लो। अरे छोड़े ना सर, आप ऐसे ही वक्त जाया करेंगे। चलो चलो तलाशी दो। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। इस कमरे में क्या है? वॉशरूम है, वॉशरूम है। वॉशरूम के बच्चे इस कमरे में आने से क्यों रोक रहे थे? वो लाश की वजह से। लाश? इनका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे लाश नहीं मिलेगी ना, तो आपको परेशानी होगी। कमरे में से बहुत तेज बू आ रही है यार। तो फिर ऐसा करते हैं, इसको स्लो में लगा देते हैं। तुम झुगते कर रहे हो, वो भी मेरे साथ। इधर क्या है कोने में? फ्रिज है, फ्रिज। फ्रिज ऐसा होता है? आई थिंक आपको ना नजर नहीं आ रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या है इस कोने में जो तुम लोग मना कर रहे हो मुझे? लाश? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? वो मैंने ना कभी वो कोना नहीं देखा ना। तो आप एक काम करें, खुद चले जाएं, मेहरबानी होगी, आप ये देखें। देखता हूँ इस कोने में क्या है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लाश कहाँ गई? लाश? ये तो कफन है। लाश कहाँ है? कफन? लड्डू में हड्डी। सच सच बताओ, ये कफन किसका है? आप ऐसा करें, पहना के देख लें, जिसको पूरा आ गया उसका है। मैंने कहा ना कब्रों में खोलो। गलती हो गई। एक काम करें, इसको ले जाए, उसकी रख रख के चित्रौल लगाए। नहीं 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 नहीं, तो मना किया था ना। अच्छा चाबियां तुमसे ली थी मैंने? चाबियां? इंस्पेक्टर साहब, आई स्वेयर, मैं तो सो रही थी, दोनों खुद
चाबियां चोरी की हैं? इस पर तो केस बनता है। किस चीज का केस बनाएंगे भाई? घर में इतनी चाबियां रखी हैं और फिर वहाँ से कफन बरामद हुआ है। कफन? कफन पे कौन सा केस बनता है? कफन से लाश निकाली गई है। खुद ही कहीं गई होगी ना? कमरे में और क्या क्या था? मेरी बात का यकीन करें, सिर्फ एक ही कफन था। तुम्हें कैसे पता? जाहिर सी बात है, लाश एक ही तो पर कफन भी एक ही होगा ना। आप ऐसा करें, ये कफन ले जाए और लाश अपने पास का डाल ले। ओए, मुझे बेवकूफ समझ रखा है जी? क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि आप तो बहुत ही शरीफ और समझदार भी लग रहे हैं। आप कोई हल निकाले ना, हमारी जान कैसे बच सकती है? केस तो मुश्किल है, लेकिन कोई रास्ता निकल सकता है। वाकई? वो कैसे? अरे वो जैसे रास्ते निकलते हैं। ओह आई सी। अच्छा बताइए बताइए, कितने में हमारी जान छुटेगी? लाश का मामला है, 15-20 लाख तो लगेंगे। 15-20 लाख? अरे इससे ज्यादा तो वकील ले लेगा। ठीक है ठीक है, हम दे देंगे। लेकिन ये बताओ लाश कहाँ है? फिर लाश? आप लाश के बारे में बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि लाश का होना जरूरी है। कहाँ है लाश? ये रही लाश। लाश? अभी तो लाश लाश चिल्ला रहे थे, लाश के आते ही घबराने लगे। एक काम करो, भागो। पिंटू लाश आ गई, भागो। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। माफ कर दो लाश बहन। आई स्वेयर हमने तुमको नहीं मारा। अरे कमबख्त, तो मुझे ही फंसवा दिया। तुम्हें बड़ा शौक था लाश बरामद करने का। हो गई लाश बरामद। मुझे बदला लेना है। बरामद करने का? कत्ल करने का। आपने भी कोई कत्ल किया है? अपने कत्ल का बदला लेना है। किसने कत्ल किया है तुम्हें? बताओ मुझे, मैं अभी कार्रवाई करूंगा। और 15-20 लाख रुपए जो लेकर छोड़ता हूँ। तुम्हें पता चल गया लाश और रिपोर्टर से क्या छुपा है? आपको किसने कत्ल किया है? जो इस घर का मालिक है। क्यों? पहली बीवी के कहने पर। ओह गॉड, उसकी दो बीवियां। थैला कहाँ है? थैला? कौन सा थैला? रकम और जेवर वाला थैला। तुम तो कह रहे थे कमरे में सिर्फ लाश थी। लाश का माल हड़प कर रहे हो तुम लोग, कुछ तो शर्म करो। वाह वाह, देखो तो कौन कह रहा है। तुम अपना बदला लो और हमारी जान छोड़ो प्लीज। इसके लिए दफन करना होगा तुम्हें मुझे। तुम दफन तो हो। अब आपको कहाँ दफन करें? आप दफनाएं, आवाम की खिदमत आपका फर्ज है। आवाम की खिदमत में लाश दफनाना कहाँ है? ठीक है ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम लोग आपस में तय करो कि मुझे दफनाना किसने है। आप दफनाएंगे इसको? मैं? हम दोनों दफनाएंगे। नहीं 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 भाई, मुझे कब्रिस्तान से डर लगता है। ये काम आप ही कर लें। मुफ्त में क्यों करूं? तो फिर ठेले के माल का आधा आधा होगा। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो। हेलो, कब्रिस्तान से बोल रहे हैं? इफी भाई, कब्रिस्तान से कौन बोल सकता है? अरे जो वहाँ रहते हैं। वहाँ तो मुर्दे रहते हैं। अरे मुर्दे रहते नहीं, दफन है, रहते गोरकन। हेलो जीजी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, हुक्म कोई नहीं है, एक लाश है। हाँ नहीं नहीं, उसे जिंदा नहीं करना है, दफनाना है, दफनाना है भाई। साइज? साइज क्या है उसका? मीडियम या स्मॉल साइज लगता है। अरे सूट का नहीं, लाश का साइज पूछ रहा है। तो उसी से हिसाब लगा लेना ना। जी, मीडियम स्मॉल साइज की लाश है, आप हिसाब लगा लेना। जी, आप कब्र तैयार करें, लाश लेकर आ रहे हैं हम। मतलब हम लाश ला रहे हैं। हाँ ओके, ले भाई, अब कब्र का बंदोबस्त तो हो गया है, अब लाश ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता भाई कब्रिस्तान? मुझे क्या एम्बुलेंस समझाया तुमने? अगर बराबर का हिस्सा चाहिए ना, तो बराबर का काम भी करना। तुम ना लाश उठाओ, मैं बराबर का कंधा दे दूंगा। वाह, कंधा नहीं देना, सिर्फ कब्रिस्तान लेके जाओ उसको। मुझे बहुत डर लगता है फिर भाई। अरे अब डर कैसा, हमसे तो बातचीत करके गई है वो। अरे जान पहचान वाली लाश है। तो तुम्हारी जान पहचान नहीं है? देख, लाश तुझे ही दफनानी होगी। कोई भी नहीं जाएगा, लाश को मैं दफना के आया हूँ। अरे ये तो रोज का काम है हमारा, लाश कोई नई बात है हमारे लिए? तुमसे पूछा नहीं लाश ने, कब्रिस्तान वालों ने? क्या ये लाश है? ये लाश किसकी है? पूछा? फिर मैंने जेब से 50,000 रुपए निकाले और कहा ये 50,000 रुपए की लाश है। फिर उन्होंने पैसे जेब में और लाश कब्र में रख दी। पहली बार पुलिस को रिश्वत देना पड़ी है। वो तो मैं पूरी कर लूंगा, चलो ठेले के माल का हिसाब करो। मुझे मिला था। हाँ तो इसका मतलब तुम्हारा ही हो गया। लाश के पास से थैला निकालना आसान है क्या? मैं चाहूँ तो थैला भी रख लूँ और तुम सबको हवालात में ही बंद कर दूँ। इसे सब कुछ दे दो, इसकी हमारी जान बच जाएगी। इसे कैसे दे दूँ सब कुछ, ये अब कुछ नहीं कर सकता। अरे यार जल्दी करो, लाश फिर बाहर आ जाएगी। अब वो नहीं आ सकती। तो कहाँ है वो? छोड़ो लाश को, उसको मैं दफनाया आया हूँ। लाओ ये बैग मुझे दो। ठहरो, ये कौन है? ये असली पुलिस वाला है। असली पुलिस?
अरे जनाब ये फ्रॉड, ये है नकली इंस्पेक्टर। नकली इंस्पेक्टर? तुम नकली पुलिस वाले हो? वो मैंने मोहल्ले सुना था इस घर में लाश की बू आ रही है, इसलिए मैं आ गया। लाश? जी 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 जी, अब मालिक मकान के कमरे से ना लाश मिली थी और ना उसे इसने दफना दिया। यहाँ इतने बड़े जुर्म हो रहे हैं, कौन है इसका कातिल? जी वो मालिक मकान, मालिक मकान। अरे उसको भी मैं बुलाता हूँ और तुम सब थाने चलोगे। क्या? सबकी तफ्तीश होगी। क्या इस बैग में? बहुत कुछ है इसमें। इधर लाओ ये मुझे दो। ये सब सरकारी खजाने में जाएगा और तुम सब थाने चलोगे, समझे? थाने तो हम बाद में चलते हैं, पहले इससे दो दो हाथ करते हैं। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, सास बहू की खेचातानी और मैं बेचारा। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी। लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी।